दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 22 फरवरी 2019 शुक्रवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग योग्यता के लिए इसमें यहाँ पर भर्ती निकली है, किसी भी योग्यता से आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी पोस्ट की अंतिम तिथि भी अलग है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि किस पोस्ट के लिए किस तिथि तक आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ भर्तियों के लिए इसमें आपको एग्जाम भी नहीं देना होगा और कुछ भर्तियों के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या सैलरी मिलने वाली है, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन में भर्तियां निकली है। जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, बिजली विभाग की भर्ती है, पोस्ट है इसमें जूनियर इंजीनियर ट्रेनी डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिस असिस्टेंट थर्ड अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज 117 है। वहीं बात सैलरी की जाए तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए 44,900 है, केमिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए 36,800 पर मंथ के लिए है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी 29,800 है, ऑफिस असिस्टेंट थर्ड अकाउंटिंग के लिए 27,200 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। वही बात योग्यता की जाए तो ग्रेजुएट डिप्लोमा एमएससी और बीकॉम अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और कुछ पोस्ट के लिए 21 से 40 वर्ष है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वही बात आवेदन शुल्क की जाए तो जनरल या ओबीसी के लिए 1,000 रुपये है, एससी एसटी के लिए 700 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 10 रुपये है। फीस आप ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या स्किल टेस्ट के माध्यम से, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है uprvunl.org। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 फरवरी 2019 थी, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, IOCL की ये भर्ती है, पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए 15 है। वहीं बात सैलरी की जाए तो 11,900 से 32,000 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 26 वर्ष है। आयु की गणना 28 फरवरी 2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन ओडिशा है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो आपको इस भर्ती के लिए कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल टेस्ट के माध्यम से, अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है IOCL.com, इसी पोर्टल से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन करने की 6 मार्च 2019 है। रिटर्न टेस्ट की टेंटेटिव डेट 10 मार्च 2019 है और रिटर्न टेस्ट रिजल्ट की टेंटेटिव डेट 13 मार्च 2019 है। टेंटेटिव डेट स्किल टेस्ट या प्रोफेशंस या फिजिकल टेस्ट की 14 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय की ये भर्ती है, पोस्ट है असम जुडिशियल सर्विस ग्रेड थर्ड की, नंबर ऑफ वैकेंसी 38 है। वही बात सैलरी की जाए तो 27,700 से 44,770 है। LLB अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 38 वर्ष है। जॉब लोकेशन गुवाहाटी असम है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। एससी एसटी के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है, ऑल अदर्स के लिए 500 रुपये है। PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। फीस आप चालान के माध्यम से ऑफलाइन SBI की किसी भी ब्रांच से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, मेन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है gsconline.gov.in, इसी पोर्टल से 22 फरवरी यानी कि आज ही से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 मार्च 2019 है। फीस जमा करने की लास्ट डेट 13 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, पोस्ट है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर,
साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट एरिया मैनेजर या असिस्टेंट प्रोसीमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, सभी के लिए 78 वैकेंसीज है। सैलरी की बात की जाए तो 10,300 से 34,800, 15,600 से 39,100, 16,650 से 39,100 अलग अलग पोस्ट के लिए निर्धारित की गई है। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट बी, बीटेक, एलएलबी, एमएससी अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन हिमाचल प्रदेश है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वही बात आवेदन शुल्क की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। जनरल एससी एसटी ओबीसी बीपीएल धारक के लिए 100 रुपये है। एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी जो एचपी के हैं उनके लिए 100 रुपये है। ईएक्स सर्विसमैन जो एचपी के हैं उनको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन भी ई चालान से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम या फिर रिटर्न एग्जाम के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in। इसी पोर्टल से 21 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 13 मार्च 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग की भर्ती है, पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की। यूडीसी की भर्ती है, 5 वैकेंसीज है। सैलरी 35,400 से 78,800 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। आयु की गणना 20 मार्च 2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन मिजोरम है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो एससी एसटी के लिए 150 रुपये है, अदर्स कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये है। फीस आप आईपीओ या ट्रेजरी चालान से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के माध्यम से, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है mpsc.mizoram.gov.in। इसी पोर्टल से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एड्रेस आपको नोटिफिकेशन में ही दिया गया है, आप वहीं से चेक कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन करने की 20 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये भर्ती भी लोक सेवा आयोग में निकली है। पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1,065 है। वही बात सैलरी की जाए तो 15,600 से 39,100 प्लस ग्रेड पे इसमें 5,400 रुपये रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एमबीबीएस डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वही बात आवेदन शुल्क की जाए तो एससी एसटी जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए 500 रुपये है। फीस आप ऑनलाइन तरीके से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के माध्यम से, ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है mppsc.nic.in। इसी पोर्टल से आप सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन इस पर 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 5 मार्च 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी। उसकी लास्ट डेट 12 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये भर्ती भी लोक सेवा आयोग की है। सिविल जज इसमें पोस्ट है एंट्री लेवल की। 39 वैकेंसीज है। सैलरी की बात की जाए तो 27,700 से 44,770 है। वही बात क्वालिफिकेशन की जाए तो इस भर्ती के लिए एलएलबी अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़ है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वही बात आवेदन शुल्क की जाए तो एससी एसटी ओबीसी जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए 300 रुपये है। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है। फीस आप ऑनलाइन तरीके से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो। ऑफलाइन भी आप जमा करा सकते हो चालान के माध्यम से। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है psc.cg.gov.in। इसी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो जो कि स्टार्ट होंगे 1 मार्च 2019 से और क्लोजिंग डेट है अप्लाई करने की 30 मार्च 2019। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल में। पोस्ट है आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी आप नोटिस से रीड कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 7वीं और 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है।
जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आपको इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है wcd.nic.in। लास्ट डेट आवेदन करने की 13 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक में। पोस्ट है पीओ की, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती है। 25 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड यानी कि शुरुआत यहाँ पर 22,000 रुपये है और यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के बाद में 28,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 20 है और अधिकतम आयु 30 है। जॉब लोकेशन विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। आवेदन शुल्क ऑल कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये है। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है vcvl.in। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। CISF की भर्ती है। पोस्ट है हेड कॉन्स्टेबल की। 429 खाली पद है। जी हाँ दोस्तों, ये पहले ही भर्ती आ चुकी है। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। 25,500 से 81,100 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं क्लास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया बेस की भर्ती है। कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। जनरल या ओबीसी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। फीस आप SBI चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है cisf.gov.in। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की पहले 20 फरवरी थी, इसको बढ़ाकर अब 25 फरवरी 2019 कर दिया गया है। डेट का नोटिस आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो जो एक्सटेंडेड हो गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी में यहीं पर लिंक दिए गए हैं, आप यहीं से आवेदन कर सकते हो और नोटिफिकेशन भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचकर आप यहीं से इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आप सिंपली यहीं से इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।